बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 103 मस्त FM और अजमल मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ पर मधु किया अपने स्टूडियो में। ये जो चैनल लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और इस्लामाबाद में अपनी नशियात दे रहा है मुल्क के, पाकिस्तान के आवाम को, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मुल्तान से होते हुए, अंदरून सिंध से होते हुए हम कराची पहुँचे और कराची में हमारा प्रोग्राम था कि हम कम से कम 8-10 दिन यहाँ पर रहेंगे, अपनी कम्युनिटी से मिलेंगे, एबटाबाद के लोगों से मिलेंगे और मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करेंगे। लेकिन चूँकि हम सियासी वर्कर लोग हैं और इलेक्शन का दौर दौरा है, इस वजह से मैं चूँकि PK40 से अपनी पार्टी के लिए टिकट का उम्मीदवार भी हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश जो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो लोगों से अपनी कम्युनिटी से मिलना था उसमें थोड़ा सा खलल पैदा हो गया है, मुझे वापस जाना पड़ा है। मुझे अपनी पार्टी ने वापस इस्लामाबाद, कल हमारी मीटिंग है 10 बजे, तो जिस वजह से मैं अपनी कम्युनिटी से इंतहाई माजूद ख्वाह हूँ कि मैं उनसे मिले बगैर जो है वापस जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि इलेक्शन के लिए मैं कैंडिडेट हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी पार्टी टिकट के बारे में जिस तरीके से उन्होंने मुझे तलब किया है, मैं समझता हूँ कि मैं एक फेवरेट कैंडिडेट हूँ और अगर अल्लाह ने चाहा और मुझे टिकट मिला, अपनी कौम, अपनी इलाके की खिदमत का मौका मिला, एबटाबाद और गलियात के आवाम की खिदमत का मौका मिला जिस तरीके से पहले भी मिला था, तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं हाजिरी दूंगा, आपके साथ गुफ्तगुशनीद करूंगा और इंशाल्लाह मिल बैठेंगे और दीगर बातें जो है इंशाल्लाह उस वक्त करेंगे। मैं अजमल मीर का और FM 103 का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर कि उन्होंने हमें यहाँ पर दावत दी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।